लें जी दोस्तों, हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इनटेंजिबल एसेट्स पे। इनटेंजिबल एसेट्स किसी को पता है कि क्या होते हैं? लो जी भाई कह रहे हैं इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनका फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। और हाँ जी, इन पे हम क्या नहीं करते? इन पे हम क्या करते हैं? अमोर्टाइजेशन लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जो हमारे पास टेंजिबल एसेट्स होते हैं, जब वो यूज होते हैं तो उन पर हम डेप्रिसिएशन लेते हैं, और जो इंटेंजिबल एसेट जब यूज होते हैं तो उनको हम डेप्रिसिएशन ही कहते हैं, अमोर्टाइजेशन। मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आपने लिया 1 लाख रुपए का, लाइफ 5 साल है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो हर साल जो 20,000 का यूज करेंगे तो वो क्या होगा? डेप्रिसिएशन। और एक आपने कोई 5G का लाइसेंस लिया 1 लाख रुपए का 5 सालों के लिए, तो हर साल अगर आप वो जो यूज होगा तो उसको डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो डेप्रिशिएट ही, लेकिन उसको हम डेप्रिसिएशन नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? अमोर्टाइजेशन कहेंगे। ठीक है भैया। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये इंटेंजिबल क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। ये क्या है? एसेट है। तो जब हम किसी चीज को एसेट कहते हैं तो फिर एसेट की डेफिनेशन पूरी होनी चाहिए। और वो एसेट की डेफिनेशन क्या है? एन एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी। तो फिर उसकी जो एसेट की डेफिनेशन है वो पूरी होनी चाहिए। बात समझ आ रही है कि नहीं? और दूसरा वो कहता है कि ये आइडेंटिफाइबल होता है। टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट की पूरी डेफिनेशन क्या है? एन इंटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। एसेट की डेफिनेशन, कोई लाइसेंस लिया, ट्रेडमार्क लिया, पेप्सी वालों ने बॉटल फिलिंग राइट्स ली है, मैकडोनल्ड्स वालों ने फ्रेंचाइज ली है, बीकन हाउस की आपने फ्रेंचाइज ली है, तो आप उनको पर एडमिशन पर मंथ जो पे करते हैं, रॉयल्टी पे करते हैं, तो वो किस लिए पे करते हैं? कि बीकन हाउस का नाम कोई और यूज ना करें। तो वो आपने 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए जो लाइसेंस लिया है, ट्रेडमार्क लिया है, ठीक है दोस्त, तो वो या पेप्सी के फिलिंग राइट्स लिए हैं या पेनाडॉल बनाने के राइट्स लिए हैं, तो कोई और फिर ये पेनाडॉल पाकिस्तान में नहीं बना सकता। तो ये जो अपने राइट्स लिए हैं, अब बजायर आप किसी को कहें मेरे पास पेनाडॉल के राइट्स हैं, वो कहेगा मुझे मिलवाओ, मैंने गले लगना है। कहाँ गले लगवाए उसे? तो नहीं लगवा सकते गले। सही है। तो आप कहेंगे सर पेज पे तो लिखा हुआ ना कॉन्ट्रैक्ट, उसे ही गले लगवा ले। मैं कहूँ पेज की वैल्यू नहीं है। पेज तो पेज होते हैं सारे, रजिस्टर का पेज, बुक का पेज, सही है दोस्त, प्रिंटर का पेज, अखबार का पेज, पेज की वैल्यू नहीं है। वैल्यू किस बात की है? वो जो राइट मिला आपको, वो जो राइट टू यूज मिला है, टू राइट टू यूज दैट फॉर्मूला, एक्चुअली दैट राइट गॉट वर्थ, पेज की वर्थ नहीं है। तो वो जो राइट आपको मिला है वो तो छुपा हुआ है, कहाँ है वो? इन द सेम वे जैसे आप बात करते हैं उसकी, जैसे हमारी गाड़ियों पे ये लगे होते हैं नंबर्स, लगे होते हैं नंबर प्लेट। नंबर प्लेट टेंजिबल है इनटेंजिबल है? नंबर प्लेट टेंजिबल है इनटेंजिबल है? इनटेंजिबल है भाई। वैसे ही लोहे के टुकड़े कबाड़ की दुकान में हजारों पड़े, कोई वर्थ नहीं है। वो लोहे के टुकड़े की वर्थ नहीं है ब्रो। एक्चुअली जो नंबर है, वो जो राइट टू मूव है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसकी वर्थ है। एक्चुअली वर्थ किसकी है? राइट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो जो आपको पीछे उसके राइट छुपा, वरना नंबर प्लेट लोहे की क्या वर्थ? ऐसे तो कोई भी लोहा उठा ले आप, कहेंगे जो है वो है हमारा एसेट है, तो लोहे की वर्थ नहीं है। एक्चुअली वर्थ किसकी है? वो जो राइट टू मूव छुपा हुआ। और पाकिस्तान में नंबर प्लेट्स वगैरह नहीं बिकती, बाकी पूरी दुनिया में ये प्रॉपर बिजनेस है। नंबर प्लेट प्रॉपर परचेज और सेल होती है। अगर आपने कहीं मूव करना है तो आप मूव करने के लिए आप वो नंबर प्लेट लेते हैं और उसको लगाते हैं गाड़ी पर, गाड़ी मूव कर सकती है। तो समझ आ रही है? हाँ, इसीलिए जब नाके वगैरह इस्लामाबाद में होते, सिंध की गाड़ी आती, रोक लेते, भजन किधर है? तहकीक करते हैं ये, ठीक है राइट टू मूव पूरे पाकिस्तान में उसके पास है, लेकिन एक कान खड़े हो जाते हैं यार, फलाने सूबे का आदमी यहाँ क्या कर रहा है? तो इसलिए चेकिंग उनकी ज्यादा होती। इस्लामाबाद नंबर की डिमांड क्यों ज्यादा है इस्लामाबाद में? क्योंकि चेकिंग नहीं होती, उन्हें पता होता है यहीं का आदमी है।
ये तो अक्सर इस्लामाबाद में जब गाड़ियां परचेज और सेल होती है वो पूछते हैं इस्लामाबाद नंबर है, कौन सा नंबर है, इस्लामाबाद नंबर है, ओके ठीक है। तो भाई नंबर आइडेंटिटी होती है, गाड़ी कहाँ रजिस्टर हुई है, कहाँ मूव करती है, तो वो जो आपके पास राइट टू मूव छुपा हुआ वो इंटेंजिबल है, वो क्या है, इंटेंजिबल। और समझ आ रही है? हाँ, ये जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां जो होती हैं बसें वगैरह लाहौर टू कराची जा रही हैं या लाहौर टू इस्लामाबाद आ रही हैं, तो इनके पास प्रॉपर क्या होता है, राइट टू मूव होता है, जिसको हम रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्सर गाड़ियों के पीछे आपने उर्दू में लिखा हुआ देखा होगा रूट हमरा है, हमें नहीं समझ आती ये क्या रूट हमरा है, मतलब ये है कि इस रूट पे अक्सर गाड़ियों के मोटरवे में जाके चालान हो जाते हैं, उनके पास रूट ही नहीं होता, राइट टू मूव ही नहीं होता उन गाड़ी, बड़ी गाड़ी के पास। समझ आ रही है? तो ये जितने भी आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स होते हैं, 5G लाइसेंस है, टेली, और इसके अलावा लैंडलाइन सर्विसेज आप दे रहे हैं, ये सारे के सारे लाइसेंस किस में फॉल करते हैं, इनटेंजिबल लाइसेंस में फॉल करते हैं। बट इफ देर इज अ 5G लाइसेंस, मे बी आपके लिए उसकी वर्थ 10 बिलियन हो, उसके लिए 11 बिलियन हो, उसके लिए 12 मिलियन हो, इफ इट इज नॉट हैविंग एनी फिक्स वैल्यू देन यू विल ट्रीट इट एज अ नॉन मॉनिटरी एसेट। मॉनिटरी एसेट्स की वैल्यू सबके लिए क्या होती है, सेम। 100 रुपए का नोट सबके लिए सेम, 100 रुपए का नोट सबके लिए सेम। नॉन मॉनिटरी एसेट किसे कहते हैं, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो, डिफरेंट पीपल डिफरेंट वैल्यू परसीव कर रहे हैं। जस्ट लाइक यू आर गोइंग टू सेल योर मोबाइल, तो मोबाइल किसी शॉप पे जाएंगे, किसी सेंटर में जाएंगे, अगर इस्लामाबाद में दुबई प्लाजा चले जाएंगे, लाहौर है तो अफी सेंटर चले जाएंगे, तो ये तो अगर आप वहां जा रहे हैं तो कोई आपकी मोबाइल की बोली लगाएगा 20,000, कोई 21, कोई 19, कोई 25, इसका मतलब है इसकी कोई मोनिटरी वैल्यू नहीं, लोग अपने फायदे के अतबार से उसकी वैल्यू डिटरमिन करते, तो इसको कहते हैं नॉन मोनिटरी। और आइडेंटिफाइबल का मतलब, आइडेंटिफाइबल का मतलब दिस इज अ सेपरेबल, क्या है भैया, एक दूसरे से आप क्या कर सकते हैं, जुदा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जुदा कर सकते हैं, ये प्लांट है, इसका काम और है, व्हीकल का काम और है, सही है दोस्त, ये जनाब अली कोई और पर्टिकुलर एसेट प्रिंटर है, तो सारे एसेट एक दूसरे से क्या है, सेपरेबल है। इसी तरह अगर आप लोग कोई इंटेंजिबल खरीदा 5G लाइसेंस, तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी किसी के साथ क्या ताल्लुक है इसका, तो इसको कहते हैं सेपरेबल, आइडेंटिफाइबल। बात समझ आती है? इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर एसेट, इट कैन जनरेट बेनिफिट्स इंडिपेंडेंटली, इट कैन जनरेट बेनिफिट्स इंडिपेंडेंटली, सही है दोस्त। तो अगर ये किसी और एसेट पर डिपेंडेंट नहीं है, सेपरेबल है, या आपने कहीं से लीगल राइट परचेज किया है, 5G लाइसेंस खरीदा है, या कोई और चीज आपने खरीदी है जिससे आपको राइट टू मूव मिला है या राइट टू प्रोड्यूस मिला है, तो इफ दिस इज अराइजेस फ्रॉम लीगल और कंट्रेक्चुअल राइट्स, तो वो लाइसेंस अलहदा है, वो लाइसेंस क्या है, अलहदा, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा, इंटेंजिबल। तो सेपरेबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस वक्त कोका कोला की, पेप्सी की गुडविल है, नेस्ले की गुडविल है, हाँ जी बोले है, ओके, कोई लेबोरेटरी जैसे इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक है या लाहौर की मशहूर चुगताई लैब है, उनकी को गुडविल है, उनकी गुडविल है, ओके। अगर मैं कोका कोला वाले से पूछूं तुम्हारी कितनी गुडविल है, तो क्या बताएंगे वो, आप बताएं आपके नजदीक कोका कोला वालों की कितनी गुडविल, कितनी, $50 मिलियन तो होगी जी आपके नजदीक इस वक्त कोका कोला वालों की कितनी गुडविल होगी, 50-60 मिलियन होगी जी, 60 हो गई जी आपके नजदीक भाई, 50-60 क्या, $60 मिलियन, अच्छा आप बताएं भाई, मैं अंदाजा पूछ रहा हूँ, अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी होगी, आप बताएं जी किस बुनियाद पे कह रहे हैं आप ये 50-60, आपने क्या डाटा है आपके पास स्कोप का, आपको सेल का कोई डाटा है, शेयर्स का कोई डाटा है, तो गरीबों तुम्हें क्या पता क्या वर्थ है 50-60 रुपीज, 50-60 मिलियन, एक ने कह दिया सारे उसके गिर्द ही घूम रहे, आपके पास क्या डाटा है उसकी वर्थ, क्या डाटा है, कैसा, कहाँ से निकाला आपने, देखना जरा गूगल में लिख के, किसी के पास भी देखें जरा एस्टिमेटेड वर्थ, वो तो तुम्हारी गुर्बत है ना, मैं क्या कर सकता हूँ अगर डेट नहीं है, जिसके पास है वो देखे कि इस वक्त एस्टिमेटेड वर्थ ऑफ कोका कोला क्या है,
301, गुर्रो गरीब इंसान, 50-60 मिलियन, 30 बिलियन, बिलियन डॉलर। ये इस वक्त टोटल उस कंपनी की वर्थ है जिसमें उसके प्लांट्स भी होंगे, सारी चीजें भी होंगी, लेकिन एक्चुअल वर्थ उसके नाम की है। किसकी? उसके नाम की है। लेकिन अब इसमें इसके सारे एसेट्स भी हैं, सारी चीजें भी। अगर हम इनसे पूछें कि गुडविल कितनी है, तो गुडविल कैसे बताएंगे? वो एसेट में से क्या माइनस करेंगे गुडविल के लिए? किसमें से आएगी गुडविल? 301 मिलियन में से क्या माइनस कर दो? हाँ, एसेट्स की वर्थ। ये 301 वर्थ कैसे निकली? फिर चले जी, आप कोक को खरीदना चाहते हैं, इस वो 301 वर्थ को लगाते हैं। आप कोक का ब्रांड खरीदना चाहते हैं, कोक की बात कर रहे हैं ना, 301 बिलियन इसकी वर्थ इस वक्त मार्केट में, और आप कोक को खरीदना चाहते हैं, और आप सब बोली लगा रहे हैं। आप कितने की खरीदना चाहेंगे? हैं? 4 बिलियन, वैल्यू तो बढ़ गई। 301 बिलियन उसकी आप कह रहे हैं वर्थ है, और वो कह रहा है सर मैं चार, कितने में? 4 बिलियन में खरीद लूंगा। 301, 301 है, 301 है, 400 बिलियन, 301 बिलियन, 4 बिलियन में खरीद लेगा, चंडे भी कराएंगे और वापस बोलने भी नहीं देंगे। हाँ, 400 बिलियन ठीक है। अब 400 बिलियन ये किस लिए पे कर रहा है? एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहा है? गुडविल के लिए। आप अगर बोली लगाने का मौका मिले, आप कितने की लेंगे भैया? 302, ये 1 बिलियन एक्स्ट्रा दे रहा है। तो अब गुडविल कितनी हुई? तो ये कौन सी गुडविल है? यूबीएस की गुडविल। 1 मिनट में 400 बिलियन पे जा रही है, 1 मिनट में 1 बिलियन पे आ रही है, ये कौन सी गुडविल है भाई? आप कितने की लेना चाहेंगे? 350। अब गुडविल कितनी है? आप बोल आपके भाई, कोका वाला वाला कोका कोला वाला से भी पूछेंगे ना, आपकी गुडविल कितना है? वो कहेंगे मैयरेबल नहीं है भाई, मैयरेबल नहीं है, हम इसको अलहदा से नहीं बता सकते हमारी गुडविल कितनी है। आप शायद ये 400 की बोली लगाए, वो 500 बिलियन की लगा दे, फिर गुडविल तो फिर चेंज हो गई। गुडविल कहते किसे? मिसाल के तौर पर आपने एक बुजुर्ग देखा, फर्नीचर का कारोबार वो करता है, और उसके भी कारोबार की बड़ी डिमांड है। आपने उसे जाके कहा चाचा बिजनेस बेचना है? उसने कहा बेचना है। कितने का बेचना है? उसने कहा 15 लाख। आपने उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाई, एसेट में से लाइबिलिटीज माइनस की, वो बनती है 10 लाख। नेट एसेट कितने के बनते हैं? 10 लाख। नेट एसेट कितने के बनते हैं? नेट एसेट किसे कहते हैं? एसेट माइनस लाइबिलिटीज। नेट एसेट बनते हैं कितने? 10 लाख। रो कितने मांग रहा है? 15 लाख। आपने कहा चाचा जी खैरियत है, नेट एसेट 10 लाख और 15 लाख? वो कहता अभी मैं प्राइम लोकेशन पे हूँ, कस्टमर लॉयलिटी है, मेरा फर्नीचर दादा लवे ते पोता हंडावे, न टूटे न जान छूटे। 1971 में नाहिदा बेगम ने भी फर्नीचर यहीं से लिया था, 1991 में उसकी बेटी फहमीदा बेगम ने भी यहीं से फर्नीचर लिया था, ठीक है भैया, और 2011 में उसकी पोती शाहिदा बेगम ने भी फर्नीचर यहीं से लिया था। भाई जान कस्टमर लॉयलिटी है, न टूटे न जान छूटे, दादा लवे थे पोता हंडावे, भाई प्राइम लोकेशन है, कस्टमर लॉयलिटी, गुडविल है। नेट एसेट बन रहे हैं 10 लाख के, और एक्स्ट्रा कितने? 5 लाख। तो ये जो एक्स्ट्रा 5 लाख है किस लिए है? वो इससे कहते हैं गुडविल। इफ द बिजनेस इज एक्सचेंजिंग हैंड, चेंजिंग हैंड, हैंड्स एक्सचेंज हो रहे हो, फिर गुडविल मैयर हो सकते हैं। कोका कोला से पूछो कि जी कितने एसेट्स हैं, वो कहते हैं 10 रुपए। लाइबिलिटीज कितनी है? 2 रुपए। नेट एसेट 8 रुपए। कितने का बेचोगे? वो कहते हैं 12 रुपए। तो वो एक्स्ट्रा 4 रुपए किसके लिए मांग रहे हैं? गुडविल के लिए मांग रहे हैं। गुडविल तभी मैयर हो सकती है जब हैंड्स एक्सचेंज हो। गुडविल कब मैयर हो सकती है? जब हैंड्स एक्सचेंज हो, अदरवाइज गुडविल मैयरेबल नहीं है, गुडविल सेपरेबल नहीं है। लेकिन मैंने 5G लाइसेंस लिया, मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, मैंने 5G लाइसेंस लिया, मैं आपको बेच सकता हूँ, अलादा एसेट है, किसी को भी बेच दूँ। बात समझ आती है? तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? सेपरेबल भी होना चाहिए, इसका मतलब ये आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। तो पूरी डेफिनेशन मैंने क्या बताई इंटेंजिबल की? इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट एक आइडेंटिफाइबल, पहली बात आइडेंटिफाइबल होता है। आइडेंटिफाइबल का मतलब पता लग गया?
सेपरेबल है या लीगल कंट्रेक्चुअल राइट से आपके पास आया, तो पहला क्राइटेरिया क्या बच्चों, आइडेंटिफाइबल, दूसरा नॉन मॉनिटरी होता है, दूसरा क्राइटेरिया क्या है नॉन मॉनिटरी होता है, और तीसरा क्या है फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, ये तीन बातें होती। बाकी नॉर्मल डेफिनेशन एसेट की पूरी होनी चाहिए कि आप ये एसेट क्या रिसोर्स हो, आपका इस पे कंट्रोल हो, और फ्यूचर में आपको इसे इकोनॉमिक बेनिफिट क्या हो एक्सपेक्टेड हो, फ्यूचर में आपको इसे क्या हो इकोनॉमिक बेनिफिट क्या हो एक्सपेक्टेड हो, कंट्रोल होना जरूरी है। आपकी जो अकल है टेंजिबल है इनटेंजिबल, अकल आपकी टेंजिबल है इनटेंजिबल, वो जिनके पास है उनसे पूछ रहा हूं, जिनके पास नहीं है उसको तो क्वेश्चन ही नहीं बनता ना, जिनके पास है टेंजिबल है इनटेंजिबल, इनटेंजिबल सही है। आप हमारे इंप्लॉयज हैं, इंप्लॉयज एसेट होते हैं या नहीं होते हैं, इंप्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट होते हैं या नहीं होते। ओके, आज तक किसी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखा इंप्लॉय बशीर नॉन करंट एसेट, नजीर करंट एसेट, किसी ने आज तक किसी नॉन करंट देखा, बोलो भाई, किसी ने लिखा हो नॉन करंट एसेट में प्लांट मशीनरी, नीचे लिखा हो बशीर, और करंट एसेट में लिखा हो नजीर, ये क्यों नजीर लिखा, बहुत बीमार है, एक साल के अंदर अंदर एक्सपायर हो सकता है, इसलिए हमारा ये करंट एसेट है। कभी देखे क्यों नहीं लोगों को एसेट बुक करते, आपको मैंने हायर किया, आपको मैंने जर्मनी भेजा, 1 करोड़ 1.5 करोड़ लगा के आपको ट्रेनिंग करवाई पूरे ग्रुप को, अब आपसे मुझे फ्यूचर में फायदा होगा, आपका मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप मेरे पास काम करते हैं, मैंने ट्रेनिंग करवाई, आप वहां से नॉलेज लेके आए जिससे मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड है, तो बताइए जो मैंने आपको ट्रेनिंग करने पे जो खर्चा किया है ये एसेट है या नहीं, एसेट है। आप ट्रेनिंग करके आए और अगले दिन कहते हैं मैं नहीं करता जॉब, फिर है कॉन्ट्रैक्ट हुआ केस चलता रहे, आप अगली कंपनी ज्वाइन कर लिए और अगली कंपनी ने कहा जो लीगल पे चार्जेस होंगे हम देंगे, आप हमारे पास काम करें, है यूपीएस इंसान, मेरा एसेट कैसे होगा, वो तो सुबह उठा कंपनी में आया नहीं तो किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लिया, सारी ट्रेनिंग कॉस्ट में तो साथ ले गया, मेरा कैसे एसेट है, मौसद के जाए कैसे एसेट है, एसेट वो होता है जो तुम्हारे कंट्रोल में हो, क्या हो तो इंप्लॉय आपके कंट्रोल में नहीं होता, तो जितनी मर्जी ट्रेनिंग करवाते हैं ना तो आप उसको एसेट बुक नहीं कर सकते, आप उसको ट्रेनिंग एक्सपेंसिव बुक करेंगे, तो बात समझाइए, तो कंट्रोल होना ढेर जरूरी, किसी को इतराज सही है। बाकी इसको अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे तो पहली बुनियादी डेफिनेशन एसेट वाली पूरी होनी चाहिए, एन एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी फ्रॉम व्हिच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी, दरमियान में एक अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, पहले एसेट की डेफिनेशन पूरी होगी फिर इंटेंजिबल की पूरी होगी, इंटेंजिबल की डेफिनेशन पूरी करने के लिए आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, तीसरा जो हमने IAS 16 में भी पढ़ी थी कि आई कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, तो इसकी कॉस्ट भी रिलायबली मेजर होनी चाहिए, एसेट की डेफिनेशन पूरी हो, इंटेंजिबल की डेफिनेशन पूरी हो, और फिर कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली, ताकि आप लिख सकें कि इस पर कितना खर्चा हुआ है, तो उस कॉस्ट पर आप उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड भी कर सकें, समझ आई माँ सदके जाए, है बेटा समझ आई, अगे आगे चलते हैं। इंटेंजिबल एसेट हमारे पास दो किस्म के इंटेंजिबल एसेट हमारे पास आ सकते हैं बिजनेस में, दो किस्म के इंटेंजिबल एसेट आपके पास आ सकते हैं, एक इंटेंजिबल एसेट वो होता है जो आप परचेज करते हैं, जैसे 5G लाइसेंस आपने खरीदा, पेनाडॉल का आपने राइट खरीदा, फिलिंग पेप्सी का राइट खरीदा, बीकर हाउस की फ्रेंचाइज खरीद ली, सही है, ये सारे क्या कहलाएंगे परचेज इंटेंजिबल, क्या कहलाएंगे परचेज इंटेंजिबल, हमेशा कैपिटलाइज होता है, परचेज इंटेंजिबल हमेशा कैपिटलाइज होता है, वजह आपने एक लाइसेंस खरीदा, आप उसको लाइसेंस डेबिट कर देंगे कैश क्रेडिट कर देंगे, तो परचेज इंटेंजिबल क्या होगा भैया, हमेशा रिकॉग्नाइज होगा इसकी कॉस्ट पर, किस पर, जितनी कॉस्ट आपने इनकर की है, किसी को इतराज, अब इसको अपनी बुक्स में मैयर करने के आपके पास दो मॉडल, ये स्विच लगाना जी बच्चों, हमारे पास इनटेंजिबल एसेट मैयर करने के दो मॉडल है, हमारे पास इनिशियल रिकग्निशन किस पर होगी कॉस्ट पर, सबसिक्वेंट मैयरमेंट, जजाकअल्लाह जीते रहो।
सब्सिक्वेंट में ये किस पर होगी? दो मॉडल है IS 16 वाले, कौन कौन से? कॉस्ट मॉडल और सेम सेम सेम, दो मॉडल है, कौन से? कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। आमतौर पे इंटेंजिबल के लिए कॉस्ट मॉडल यूज किया जाता है, रिवैल्यूएशन मॉडल यूज नहीं किया जाता। कौन सा मॉडल यूज किया जाता है? रिवैल्यूएशन मॉडल यूज पीपी में तो नॉर्मली यूज होता है रिवॉल्यूशन मॉडल, लेकिन हमारे पास जो इंटेंजिबल एसेट होता है उसके लिए कौन सा मॉडल यूज किया जाता है? कॉस्ट मॉडल, रिवॉल्यूशन मॉडल यूज नॉर्मली नहीं किया जाता। वजह, रिवॉल्यूशन मॉडल आप तब ही यूज कर सकते हैं अगर एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती हो। सही है, रिवॉल्यूशन मॉडल क्यों नहीं यूज करते हम आमतौर पर? वैल्यूएशन मॉडल इंटेंजिबल में यूज क्यों नहीं करते? एक्टिव मार्केट होगी तो फिर वैल्यू डिटरमिन करेंगे ना। आपने फिशिंग राइट्स खरीदे, मार्केट में बिकते ही नहीं, आपने एक दरिया में फिशिंग राइट्स खरीदे, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं, तो कहां से लाए फिर मार्केट वैल्यू? एक्टिव मार्केट वैल्यू नहीं है, समझ आ रही है बात? तो रिवैल्यूएशन मॉडल के लिए पेपर में अगर वो आपको कह भी दे कि इसकी फेयर वैल्यू इतनी ज्यादा हो गई है, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर भी आ गया है, इंडिपेंडेंट वैल्यू IS 16 में हमने पढ़ा था कि रिवैल्यूएशन करते वक्त हम इंडिपेंडेंट वैल्यूअर होना जरूरी है, वो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर भी लिख दे, वैल्यू भी ज्यादा बता दे, लेकिन एक्टिव मार्केट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसको रिवैल्यू नहीं करेंगे, इसको रिवैल्यू नहीं करेंगे। इसलिए नॉर्मली इनटेंजिबल एसेट किस मॉडल पर मैयर होते हैं? कॉस्ट मॉडल पर मैयर होते, समझ आ रही है बात? इसलिए किस पर मैयर होते हैं? कॉस्ट मॉडल पर मेजर होते हैं, और वो IS 16 की तरह डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड भी हो सकता है, आमतौर पे स्ट्रेट लाइन मेथड ही होता है। किसमें? इंटेंजिबल में, तो जो भी उसकी यूजफुल यूजफुल लाइफ होती है उस पर आप डिवाइड करके उसको हर साल क्या करते रहते हैं? अमोर्टाइजेशन लेते रहते। सही है, अगर आपने एक एसेट 5 साल के लिए लिया इंटेंजिबल एसेट, तो हम इसको कहेंगे इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो फाइनाइट है। क्या है? फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब डिटरमिनेबल, एक स्पेसिफिक एज है, 5 साल के लिए लिया तो उसको क्या कहेंगे? फाइनाइट यूजफुल लाइफ। और उस एसेट को 5 साल के लिए लिया तो 5 साल पे अमोर्टाइज करेंगे, 10 साल के लिए लिया तो 10 साल पर आप अमोर्टाइज करेंगे। सही है दोस्त, तो आप क्या करेंगे भैया? एसेट की जो भी कॉस्ट आपने रिकग्नाइज की है और उसको आप किस पर डिवाइड करेंगे? उसकी यूजफुल लाइफ है। अगर क्वेश्चन में वो रेजिडुअल वैल्यू दे भी दे तो इंटेंजिबल की रेजिडुअल वैल्यू भी कंसिडर नहीं करते, रेजिडुअल वैल्यू भी कंसिडर नहीं करते। दो बातें मैंने बताई, रिवैल्यूएशन मॉडल किस लिए नहीं लेते? एक्टिव मार्केट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करते, और रेजिडुअल वैल्यू का हमारे पास कोई डिटरमिनेबल क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपने कोई 5G लाइसेंस खरीदा और आप कहते हैं 5 साल बाद इतने का बिक जाएगा, भाई आपका तो 5 साल के लिए है ना, आपका लाइसेंस देने का है 5 साल के लिए, तो आप कैसे बेच सकते हैं? आपने तो किसी से राइट्स खरीदे, और अगर वो कोई रेजिडुअल वैल्यू बता भी दे तो मेरे पास कैसे क्राइटेरिया के 5 साल बाद ये बिकेगा? मेरे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है, मेरे पास कोई जजमेंटल क्राइटेरिया नहीं है कि वाकई इसकी वर्थ 5 साल के बाद होगी, तो ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। तो बात समझ आ रही है? डिटरमिनेबल नहीं है, इसलिए मैं इसकी जो हमेशा रेजिडुअल वैल्यू लूंगा वो क्या लूंगा? जीरो लूंगा। क्या लूंगा? रेजिडुअल क्या लूंगा? जीरो लूंगा। ओके, अगर एसेट की लाइफ क्या है? फाइनाइट, डिटरमिनेबल, 5 साल के लिए लिया है तो डेप्रिशिएट करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड पे और रेजिडुअल वैल्यू नहीं लेंगे। और दूसरा हो सकता है कि आपने इंटेंजिबल एसेट लिया है और उसकी लाइफ है फाइनाइट का अपोजिट क्या था? दुनिया में कोई भी चीज इनफाइनाइट नहीं है, तो उसका दूसरा अपोजिट बनेगा अकाउंटिंग में इनडेफिनेट, विच कैन नॉट बी डिफाइंड। फाइनाइट इनफाइनाइट ना कर देना, इनफाइनाइट का मतलब है इस एसेट ने मरना ही नहीं है, सारी दुनिया मर जाएगी, क्यामत आ जाएगी, सब खत्म हो जाएगा और ये स्टेटस अपलोड करेगा फीलिंग अलोन लाइक भुट्टू। सही है दोस्त? हाँ, तो क्या कहा मैंने?
इनडेफिनेट कहेंगे, विच कैन नॉट बी डिफाइंड। अगर एक एसेट की लाइफ इनडिफाइंड हो, इनडेफिनेट हो, तो फिर हम उसको अमोर्टाइज नहीं करेंगे। अगर फाइनाइट लाइफ होगी तो अमोर्टाइज करेंगे यूजफुल लाइफ, क्योंकि लाइफ पता है और रेजिडुअल वैल्यू नहीं लेंगे। लेकिन अगर इसकी लाइफ क्या हो, इनडेफिनेट हो, क्या हो, इनडेफिनेट हो, फिर इसको अमोर्टाइज नहीं करेंगे, बस एनुअली इसको इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करेंगे। और IS 36 का क्राइटेरिया पूरा करके अगर कोई इंडिकेटर होगा तो इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करेंगे। अगर एक एसेट जिसकी लाइफ क्या हो, इनडेफिनेट हो, तो उसको अमोर्टाइज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हर साल के एंड पर देखेंगे, अगर कोई इंडिकेटर पाया गया, तो फिर उसको हम क्या करेंगे, फिर हम उसको इंपेयरमेंट टेस्ट लगाएंगे, अगर इंपेयरमेंट का कोई इंडिकेटर हुआ तो। समझ आ रही है बच्चों? ओके गुड, हो बताओ जी, अगर फाइनाइट लाइफ हो तो क्या करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे, रेजिडुअल वैल्यू ले। सही है दोस्त? रिवैल्यूएशन मॉडल पे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। वो कहता है इनटेंजिबल एसेट आप रिवैल्यू कर सकते हैं इसकी फेयर वैल्यू पर, लेकिन फेयर वैल्यू जो डिटर्मिनेबल होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बाय रेफरेंस टू एन एक्टिव मार्केट होनी चाहिए। एक्टिव मार्केट किसे कहते हैं? एक्टिव मार्केट वो होती है जहां ट्रांजेक्शन टेक प्लेस हो रही होती है, इन एसेट ऐसे एसेट फ्रीक्वेंटली बिक रहे होते हैं। क्या होता है? हाँ, सफिशियंट फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम टू प्रोवाइड प्राइसिंग इंफॉर्मेशन ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस। मार्केट में ऐसी चीजों की खरीदो फरोख्त नॉर्मल हो रही होती है, ताकि आपको पता होता है कितने का खरीद रहा है और बेचा जा रहा है, तो आपके लिए प्राइस डिटरमिन करना आसान होता है। इफ दिस पर्टिकुलर आइटम इज नॉट फ्रीक्वेंटली सोल्ड इन द मार्केट, देन हाउ यू कैन डिटरमिन द एक्चुअल प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। बट इफ समथिंग इज फ्रीक्वेंटली सेलिंग इन द मार्केट एंड देर इज अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, और यू कैन से द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, बट द ट्रांजेक्शन आर गोइंग ऑन, तो इस सूरत में आप प्राइस डिटरमिन कर सकते हैं। चार छह बंदों से, छह दुकानें, आठ दुकानें, मार्केट पूरी है, लोग बेच भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा नॉर्मल किस प्राइस पर बिक रहा है। इफ द फेयर वैल्यू डिटरमिनेबल किससे, रेफरेंस से, बाय रेफरेंस टू एन एक्टिव मार्केट, फिर तो रिवैल्यूएशन मॉडल पर जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते, बेशक वो कसम उठाए। इसीलिए ये भी एक वजह ऐड होती करती है रेजिडुअल वैल्यू में, कि आमतौर पर जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं वो स्पेसिफिकली किसी मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहे होते। कहीं आप जाके कहें जी मैंने 4G लाइसेंस खरीदना है, किसी मार्केट से मिल जाएगा आपको। मैंने कोका कोला खरीदना है तो किसी ब्रांड नेम मुझे मार्केट से मिल जाएगा। कोई ट्रेडमार्क डेवो वगैरह मुझे कहीं से जाके मिल जाएगा। सही है जी? कोई पब्लिशिंग राइट्स है कि मैं पब्लिश करना चाहता हूँ नवाए वक्त खबरें या कोई और कोई मैगजीन, किसी का अच्छा का नाम आता है डॉन, बहुत अच्छा है। बहरहाल पाकिस्तान में तो कोई भी न्यूज़पेपर अच्छा नहीं है, सारे झूठ बोलते हैं और डंडे के आगे सब अपना ईमान बेच देते हैं, तो सारे बिकाऊ माल है। बहरहाल, तो अगर आप किसी से मैगजीन का राइट लेते हैं, पब्लिशिंग राइट्स लेते हैं आप, सही है दोस्त, तो वो भी आपके लिए क्या इंटेंजिबल है। लेकिन पब्लिशिंग राइट्स किसी एक आदमी से लेंगे ना, मार्केट में थोड़ा बिक रहे हैं, तो इसलिए आमतौर पर क्या, आमतौर पर इंटेंजिबल्स की मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ये एक ही आदमी अपना राइट बेच रहा है। ऐसा थोड़ा कोई मार्केट है कि वहां चले जाओ, वहां सारी जो जो है वो ये कोका कोला और पेप्सी वालों को क्या करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स वाले या और क्या कहते हैं, बेवरेजेस वाले, कि बेवरेजेस वालों का ये कंपनी ट्रेड नेम बिक रहा है जी, वो अपने जी लाइसेंस दे रहे हैं, लाइसेंस टू परचेज। ऐसी कोई मार्केट नहीं है। इसीलिए जब इन इंटेंजिबल की कोई एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, तो इनकी वैल्यू डिटर्मिनेबल क्या है, मुश्किल है। इसलिए हम उसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे लेके नहीं जाते, क्योंकि फेयर वैल्यू डिटरमिनेबल नहीं। इन द सेम वे रेजिडुअल वैल्यू, जब आप इसकी कोई मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप इसकी रेजिडुअल वैल्यू कैसे डिटरमिन कर सकते, कि इतने का बिक जाएगा, कहाँ बेचोगे, कौन सी मार्केट में। इसलिए देर इज अनसर्टेनिटी अबाउट इट्स फेयर वैल्यू एंड इट्स रेजिडुअल वैल्यू, इसीलिए ना हम रेजिडुअल वैल्यू लेते हैं और ना ही हम इसकी फेयर वैल्यू लेके इसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे लेके जाते हैं। तो इफ ओनली अगर इसकी क्या मौजूद हो, एक्टिव मार्केट हो, तो फिर इवैल्यूएशन मॉडल पे जा सकते हैं। ठीक है भैया? अगर मार्केट हो और पब्लिक को इसके प्राइसेस अवेलेबल हो, तो फिर हम उसको क्या करेंगे,
इवैल्यूएशन मॉडल पे जा सकते हैं। अदरवाइज हर इंटेंजिबल एसेट एक यूनिक होता है, किसी कंपनी का नाम है, ब्रांड इमेज है, कोई भी चीज है, पेटेंट राइट्स हैं, तो उनकी मार्केट नहीं होती, तो इसलिए रिवैल्यूएशन मॉडल पर जाना हमारे लिए क्या है, मुश्किल है। इसका मतलब है परचेज इंटेंजिबल की क्या ट्रीटमेंट सीखी, परचेज इंटेंजिबल कॉस्ट पर कैपिटलाइज होगा, सब्सिक्वेंटली कॉस्ट रिवैल्यूएशन मॉडल पर मैयर हो सकता है, लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल हम इसलिए नहीं लेते कि क्योंकि एक्टिव मार्केट नॉर्मली नहीं होती, क्योंकि सारे एसेट यूनिक्स होते हैं इंटेंजिबल, तो हम कॉस्ट मॉडल पर लेते हैं। कॉस्ट मॉडल IAS 16 की तरह हम स्ट्रेट लाइन मेथड पर उसकी यूजफुल लाइफ पर डेप्रिशिएट करते हैं अगर इसकी लाइफ फाइनाइट हो, और रेजिडुअल वैल्यू नहीं लेते, और अगर इसकी लाइफ इनडेफिनेट हो तो फिर हम उसको अमोर्टाइज नहीं करते, लेकिन एनुअली अगर कोई इंडिकेटर मौजूद हो तो फिर हम इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करते हैं। सही है। ओके, अगला हमारे पास जो इंटेंजिबल है वो दूसरा है कि जो डेवलप होता है विद द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। इंटेंजिबल दो किस्म के, कौन से दो किस्में, कौन सी दो किस्में इंटेंजिबल की? एक इंटेंजिबल एसेट वो जो आप परचेज करते हैं, वो तो आपको पता है ये मैंने खरीदा है, राइट, 10 लाख का, 10 करोड़ का कैप लिख लो, उसकी वैल्यू आपको पता होती है। लेकिन कुछ इंटेंजिबल एसेट होते हैं जो इंटरनली जनरेटेड होते हैं। क्या होते हैं? इंटरनली जनरेटेड होते हैं। कुछ इंटेंजिबल एसेट कौन से होते हैं? पहले मैंने दो ब्रॉड कैटेगरीज बताई, एक परचेज और दूसरी इंटरनली जनरेटेड। इंटेंजिबल एसेट कितने किस्म के होते हैं? दो किस्म के। एक परचेज, उसकी कॉस्ट तो पता है, फौरन लिख लेंगे। दूसरा जो डेवलप होता है, इंटरनली जनरेटेड होता है। इंटरनली जनरेटेड फिर दो टाइप्स के, इंटरनली जनरेटेड दो टाइप्स के, एक वो जो डेवलप होता है विद द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, एक वो जो डेवलप होता है विद द, आपने कारोबार बनाया, 4 कस्टमर, अच्छी सर्विस दी, 10 कस्टमर, 10 से 100 कस्टमर, 100 से 1000 कस्टमर, नाम बन रहा है, नाम बन रहा है, पहले इस्लामाबाद, फिर रावलपिंडी, रावलपिंडी से पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान, अब बाहर की दुनिया में जा रहे हैं, जैसे कोका कोला वाला में पहले साल मेरा ख्याल है इनकी अंडर 100 बोतल बिकी थी, कोका कोला वालों में। सही, तो हम जल्दी थक जाते हैं, जल्दी नहीं थकना चाहिए, आज वो ब्रांड है, अंडर 100 बोतल बिकी थी शायद पहले साल, और आज पूरी दुनिया में चाहे वो ब्रांड है। बारह आगे इसी पर वापस आते हैं, तो आपके 4 कस्टमर, 4 से 100, 100 से 1000, 1000 से पूरा पाकिस्तान, फिर दुनिया में आप जा रहे हैं, आपकी गुडविल बढ़ रही है नहीं बढ़ रही? अब आपका पूरी दुनिया में कस्टमर बेस है, तो बताओ आपकी गुडविल कितनी है, कितना खर्चा किया आपने गुडविल पे, कितनी? भाई किसी एसेट को बुक में लिखने के लिए आपको कॉस्ट पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए? किसी एसेट को अपनी बुक में लिखने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? कॉस्ट पता होनी चाहिए। ये जो 4 कस्टमर थे आपकी गुडविल थी, 4 से 10 हुए, आपने क्या खर्चा किया? 4 से, तो उन 4 में उन 10 को बताया, उन्होंने कहा बड़ी अच्छी चीज, 10 आ गए, 10 से 100 आ गए, 100 से 1000 कस्टमर, 1000 से 1 लाख कस्टमर, आपने अपनी गुडविल पे क्या खर्चा किया? ये गुडविल क्या हुई? डेवलप हुई विद द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। क्या हुई? डेवलप हुई विद द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। किसी कपड़े वाली जो टी शर्ट वाली किसी ब्रांड का नाम ले, पोलो, पोलो की पहले बनी होंगी 100 हजार शर्ट्स, कौन जानता था पोलो को, फिर कस्टमर आए, फिर बड़े 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 नाइकी कस्टमर बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। नाइकी की इस वक्त गुडविल है या नहीं? कितनी? मैयरेबल नहीं। सही है, तो कुछ एसेट्स वो होते हैं जो डेवलप होते हैं विद द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, वो इंटेंजिबल एसेट जो डेवलप होते हैं विद द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, तो मैयरेबल ही नहीं है भैया, उनको तो हम कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इसलिए गुडविल कभी बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं होती। ब्रांड इमेज, नाइकी का आपने बताया कोई ब्रांड वैल्यू है या नहीं? ब्रांड वैल्यू है या नहीं? तो है या नहीं, अंगूठा डाल के ऐसे डाल के बैठा, अंगूठा निकाल और बोल बेटे ये बड़ा आइए, आज मैंने पहले जगह बोलना ही ना पड़े, हाँ बोल मेरे बेटे, वहां सदके जाए मुझे निकाल अंगूठा, आप बता नाइकी की ब्रांड वर्थ है या नहीं, एडिडास की है या नहीं? गरीबो, नकली एडिडास के ट्राउजर पहनने वालों, हाँ बताओ फिर वर्थ है या नहीं, कितनी? मैयरेबल नहीं। इंटरनली जनरेटेड कभी भी गुडविल कभी कैपिटलाइज नहीं होगी, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड कभी कैपिटलाइज नहीं होगा, वो एग्जामिनर उल्टा हो जाए कि मैंने मार्केटिंग में 10 करोड़ लगाया, 10 अरब लगाया,
मार्केटिंग में 10 करोड़ जो लगाया वो तो मेजरेबल है, लेकिन इस ब्रांड ये 10 करोड़ की वजह से थोड़ा बनी है, ये तो इतने सालों से आप बिजनेस कर रहे तब बनी है। तो अगर कोई आदमी कह भी दे कि मैंने ब्रांड डेवलपमेंट में इतना खर्चा लगाया तो वो कभी कैपिटलाइज नहीं होगा, कभी कैपिटलाइज नहीं होगा, समझ आ रही है बात। ब्रांड कभी भी कैपिटलाइज, इंटरनली और गुडविल भी कभी कैपिटलाइज नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आपने कारोबार शुरू किया, आपके पास 4 लोगों कस्टमर का डाटा था, 10 कस्टमर हो गए, 14 का डाटा हो, 1400 का डाटा हो गया, 14,000 का डाटा हो गया, 14 लाख का डाटा हो गया। ये जो डाटा आपके कंप्यूटर में पड़ा है इसकी कोई वर्थ है या नहीं, इसकी कोई वर्थ है या नहीं है? आप कितनी लिखेंगे इसकी वर्थ? हम नहीं लिख सकते, हमारा तो एक एक कस्टमर ऐड हुआ, हमारा तो खर्चा नहीं हुआ, हम खुद नहीं लिखेंगे। है ये एसेट, डेटा है, इंटेंजिबल है, इसको बिजनेस फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ये डेवलप हुआ विद द डेवलपमेंट बिजनेस, इसको हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ ये 14 लाख कस्टमर का डाटा मुझे दो तो मुफ्त में दे दोगे ना, क्योंकि इसकी वैल्यू कोई नहीं है। हाँ दे दोगे, दे दोगे, मुफ्त दे दोगे, दे दोगे, दे दोगे ना मुफ्त, दे दो, दे दो, नहीं दोगे ना, नहीं देंगे। मैं जब परचेज करूंगा तो मेरे लिए परचेज इंटेंजिबल होगा, लेकिन आपके लिए डेवलप हुआ विद द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, तो आप इसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। तो इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट दो किस्म के होते हैं, एक होता है डेवलप्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, तो वो कभी कैपिटलाइज नहीं हो सकता। जिसकी मशहूर एग्जांपल क्या है, गुडविल है, ब्रांड्स है, कोई डाटा डेवलप, तो वो सारी की सारी चीजें कैपिटलाइज नहीं हो। किसी को एतराज? आखिरी कैटेगरी, आखिरी कैटेगरी हमारे पास ये है कि अगर कुछ इंटेंजिबल एसेट्स आपने हैं तो इंटरनली जनरेटेड, लेकिन आपने खुद डेवलप किए। क्या किया भैया, क्या किया आपने? डेवलप किए, डेवलपमेंट का मतलब क्या है? आपने किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसे हम भाई ने कह रहे हैं R&D कहते हैं। मिसाल के तौर पर पहले बल्ब्स थे, तो बल्ब के अल्टरनेटिव के तौर पर ट्यूब्स आई, ट्यूब के अल्टरनेटिव के तौर पर एनर्जी सेवर्स आए, एनर्जी सेवर्स के अल्टरनेटिव पर LED आई। दुनिया में कोई आदमी काम कर रहा था या मुर्गी अंडे दे रही थी? मुर्गी दे रही थी अंडों की जगह LED और वो एनर्जी सेवर्स, बताओ भाई। कोई ना कोई तो मेहनत कहीं ना कहीं तो कर रहा था, वो रिसर्च कर रहा था। अच्छा, जिस आदमी ने जब पहली दफा बल्ब का अल्टरनेटिव ट्यूब बनाया होगा तो पहली दफा में ट्यूब बन गई होगी, पहली दफा में जहाज बन जाता, उड़ना शुरू कर देता। इसका मतलब है यू सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स, यू सर्च फॉर, आप रिसर्च करते हैं, एक प्लैंड इन्वेस्टिगेशन करते हैं और आप देखते हैं कि क्या इसका अल्टरनेटिव पॉसिबल है, क्या इसका अल्टरनेटिव पॉसिबल है। गाड़ियों के बारे में किसी को है, कोई गाड़ियों के बारे में शौक रखता है कि ये कितने सिलेंडर की है, ये कितने सिलेंडर की, कोई है तो अपना कहे ना। मैंने कहा कोई रखता है क्या? कोई नहीं, मैं तो अपना हिसाब नहीं रखता। आमतौर में कई बच्चे होते हैं उनको गाड़ियों का बड़ा पता होता है, ईची पीची का, मॉडल्स का, और उनमें सिलेंडर्स वगैरह का भी होता है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हम पाकिस्तान में पढ़ा रहे तो गुर्बत ज्यादा, तो हम तो ये चाहते हैं अगले आने जाने के किराए से पैसे कुछ बच जाए तो चलो एक समोसा ही खा लें। भैया दोस्तों कोई बात नहीं, आप हमेशा काम कैसे करते हैं, ये गाड़ी 2 सिलेंडर पे चले तो 4 वाली कैसे बनाऊं, 4 वाली जो है 8 कैसे बनाऊं, V8 कैसे बनाऊं। तो मैं कोशिश करता हूं, मैं उसको अल्टर, फिर मैं अपने इंजीनियर्स को बुलाता हूँ, मैं अपने जैसे एप्पल वाले, हर एप्पल वाला क्यों मॉडल हर दफा बिकता है, वो उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं। आपके एप्पल की पूरी R&D के जो लोग बैठे हुए, पूरा एक हाउस बैठा हुआ है, अगर वो इसमें फीचर्स ऐड करना बंद कर दें तो उनको सैलरी सर्विस कम दे दें। दे सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव होल ईयर, कंटिन्यूअसली सर्चिंग फॉर डिफरेंट फीचर्स एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। और मेरा अगर वहां 10,000, 5,000, 4,000, 2,000 इंप्लॉयज हैं एंड दे आर सर्चिंग फॉर ऑल्टरनेटिव, तो मेरा ख्याल है काफी सारी ऑप्शन सामने आती होंगी कि सर ये भी ऐड हो सकता है, सर ये भी फीचर ऐड हो सकता है, सर ये भी फीचर ऐड हो सकता है।
You are searching for alternatives. So whenever you are searching for alternatives, you are making a planned investigation. This is research. ये दिस इज जब तक आप रिसर्च कर रहे हैं और किसी देखे ना, आप एक अल्टरनेटिव, आपने एक अल्टरनेटिव, आपने एक अल्टरनेटिव, आप सब एक एक अल्टरनेटिव मेरे पास ले आए। अब आपने सारों ने रिसर्च की, सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैंने कहा इसकी बात सही है, ये वाला फीचर बहुत अच्छा। तो मैंने बाकियों को सारों को क्या कर दिया, डिस्कार्ड, और सिर्फ उसके फीचर को कहा, मैंने कहा इसको डेवलप करो और इनका अपडेट करो नए मॉडल में। इसका मतलब है जब तक आप रिसर्च कर रहे थे, आप अल्टरनेटिव सोच रहे थे, आपको नहीं पता था ये अप्रूव होगा ये नहीं होगा, ये आगे चलेगा या नहीं चलेगा, इसका मतलब है इसका कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। इसलिए रिसर्च फेज में जितना खर्चा होता है एक्सपेंस आउट होता है। रिसर्च फेज में जितना भी खर्चा होता है वो क्या होता है, एक्सपेंस आउट होता है। लेकिन जब मैंने एक अल्टरनेटिव को पिक किया और मैंने उस पर क्या किया, उस रिसर्च फाइंडिंग पर काम करना शुरू किया, एप्लीकेशन शुरू की, और मैंने कहा कि इस नॉलेज को सामने रखते हुए मैं कोई न्यू प्रोडक्ट बना सकता हूं, न्यू डिवाइस बना सकता हूं, न्यू मटेरियल बना सकता हूं, न्यू सिस्टम बना सकता हूं, न्यू प्रोसेस बना सकता हूं, ये मुझे बहुत अच्छा समझ आई बात। ये बहुत अच्छी बात है कि गाड़ी 8 सिलेंडर में भी चल सकती है। सही है, तो गाड़ी 120 की स्पीड से भी चल रही थी, 180 की भी चल रही थी, 240 की स्पीड से भी चल रही थी, अब वो बुलेट ट्रेन आ गई है। सही है दोस्त, वो पता नहीं कितने किलोमीटर बता रहा था कि 1 घंटे में करती है, 1,000 पता नहीं कितने किलोमीटर, 520 किलोमीटर से 1 घंटे में। आपको क्या लगता है ऐसे रात को सोया था आदमी, सुबह उठा उसने कहा गाड़ी बना 520 में दौड़ेगी, है ना? पता नहीं, अगर आप उसकी केस स्टडी करेंगे कितने साल लगे होंगे रिसर्च पे, इवन उसकी शेप पे, कि रेजिस्टेंस कैसे कम करनी है। तो यू कंटिन्यूअसली सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव, यू आर गिविंग डिफरेंट सजेशंस टू इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ये भी पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटी है। व्हेन एवर यू आर गोइंग टू डेवलप एनी पर्टिकुलर एसेट, यू नीड फंड्स, एंड फंड्स कम फ्रॉम इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, एंड व्हाई दे वे इन्वेस्ट ऑन अ पर्टिकुलर आइटम, जब तक आप उसको नहीं कहेंगे इसकी ये फायदे और ये कीमत होगी। समझ आ रही है? तो आप जब तक अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को नहीं मनाएंगे और उसकी फिजिबिलिटी नहीं बताएंगे, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बताएंगे, इसकी वायबिलिटी नहीं बताएंगे, इसके लिए ये नहीं बताएंगे कि हमारे पास रिसोर्सेस हैं या नहीं है, तब तक आप काम ही नहीं कर सकते, आपके पास पैसे कुछ नहीं होगा। यू नीड मटीरियल, यू नीड लेबर, यू नीड प्रोफेशनल्स, यू नीड मनी, यू नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। इफ यू आर नॉट हैविंग समथिंग इन योर पॉकेट, और आपका मैंने चांद पे जाना है, हाँ फिर सो जा बेटा, चांद पे चल लेंगे, जाना चांद पे। तो इसका मतलब कि आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर प्लान होना चाहिए, वरना लोग नहीं मानेंगे आपकी बात, लोग पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो रिसर्च में क्या होता है, सर्चिंग फॉर ऑल्टरनेटिव, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। तो व्हेन एवर यू आर इन रिसर्च फेज, यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू मेक योर माइंड के मैंने ये बनाना है, तो आप चीजें तलाश कर रहे थे, तलाश कर रहे थे, तलाश कर रहे थे। सो All expenses incurred in research phase will be expense out. Once you decided from available options, once you decide that I want to develop this particular material, I want to develop this particular device, I want to develop this particular product, process, system, services, whatever. If you have made your mind के मैं ये बनाना चाहता हूं, तो फिर उसको आपको बनाना पड़ेगा। फिर उस पर आप जब मटेरियल लगाएंगे तो लिख लेना, लेबर लगेगी लिख लेना, कोई एसेट यूज होगा लिख लेना, कोई और खर्चा होगा लिख लेना, जब वो कंप्लीट होगा तो तुम्हें पता लगेगा इतने में बना है, तो उसको बुक्स में कैपिटलाइज कर लेंगे। नहीं समझ आई बात? डेवलपमेंट फेज में वंस यू हैव चोज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सिस्टम, डेवलप, वट एवर, जो आपने कहा कि मैंने ये डेवलप करना है, तो उस पर जब आप डेवलप फेज में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, डेवलपमेंट कहाँ करना है, हवा में, रोड पे, पर्टिकुलर कोई डिपार्टमेंट होगी, कोई पूरा एरिया होगा, कोई प्रीमिसेस होंगे, वहां जाएंगे आप, उसको आप डेवलप करेंगे, काम करना शुरू करेंगे, मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रही है, बाकी खर्चे लग रहे हैं, जितने खर्चे लग रहे हैं टोटल करते जाए करते जाए करते रहे, कोई नॉन करंट एसेट इधर यूज हुआ तो उसकी डेप्रिसिएशन ऐड करें। एक एसेट इंटेंजिबल डेवलप किया आपने 6 माह में, कितने में, 6 माह में आपने डेवलप किया, उसमें जो प्लांट यूज किया उसकी लाइफ है 5 साल, तो 6 माह यूज करने के बाद उस एसेट की लाइफ कितनी बची हुई होगी, 4.5 साल, तो 4.5 साल कहीं और यूज कर ले, बेच दे,
लेकिन ये एसेट आप लाइक इसके लिए थे इंटेंजिबल, और इंटेंजिबल की डेवलपमेंट में कितने माह यूज हुआ? 6 माह। तो 6 माह की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आउट नहीं होगी, कैपिटलाइज होगी। 6 माह की डेप्रिसिएशन क्या होगी? समझ आ रहा है? मासिक किया जाए बिट बाय बिट, दोबारा भी पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं स्टैंडर्ड के ओवरऑल आपको हवा लगवा रहा हूँ। जो एसेट भी डेवलपमेंट फेज में यूज होगा, जितना यूज होगा, ऐसा नहीं कि पूरा पीपी उसकी कॉस्ट का हिस्सा बना दे, जितना यूज होगा उसकी कॉस्ट का हिस्सा होगा, बाकी तो आपके पास बचा हुआ है। अगर कोई प्लांट खरीदा और उसको आपने यूज किया डेवलपमेंट फेज में, तो जितना वो उस एसेट में यूज हुआ वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? कैपिटलाइज होगी। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन आएगी वो एक्सपेंस आउट होगी, वो पीएनएल में जाएगी। समझ आ रही है? मास सच की जाए इंटेंजिबल एसेट कितने किस्म के होते हैं? कौन से? एक परचेज और एक इंटरनली जनरेट। परचेज हमेशा कैपिटलाइज होगा, इंटरनली जनरेट आगे भी कितने किस्म के होते हैं? दो किस्म के। कौन सी दो किस्म? जो डेवलप होता है विद द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस वो कभी कैपिटलाइज, गुडविल, ब्रांड्स, पब्लिशिंग टाइटल्स, आपका नाम, ये कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगा। और दूसरा जो आप सेपरेटली डेवलप करते हैं, क्या करते हैं? सेपरेटली डेवलप करते हैं। जो सेपरेटली डेवलप करते हैं उस डिपार्टमेंट को क्या करते हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च का सारा खर्चा एक्सपेंस आउट करते हैं, और रिसर्च के बाद जब आप एसेट बनाना शुरू करते हैं, डेवलप करना शुरू करते हैं, तो वो सारे खर्चे क्या करते हैं? हम कैपिटलाइज करते हैं। ठीक है भैया? और जब चूंकि कैपिटलाइज करते हैं तो हमारा एसेट होता है, तो उसको फिर हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में एसेट शो करेंगे डेवलपमेंट कॉस्ट के नाम से। क्या करेंगे? एसेट शो करेंगे किस नाम से? डेवलपमेंट कॉस्ट के नाम से, क्योंकि अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे नॉन करंट एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन हो, बिल्डिंग वगैरह, उसको हम क्या कहते थे? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सिर्फ वर्क इन प्रोसेस नहीं, शुगुप्ता इंसान। इन्वेंट्री वगैरह जो आप जिसमें कारोबार करते हैं, वो अगर अगर अभी कंप्लीट नहीं, उसको कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। लेकिन नॉन करंट एसेट अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन हो, तो उसको क्या कहते हैं? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ जो एक ऐसा एसेट इंटेंजिबल जो भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम डेवलपमेंट कॉस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? डेवलपमेंट कॉस्ट। और रिसर्च फेज के सारे खर्चों को हम क्या करेंगे बच्चों? एक्सपेंस आउट करेंगे। सही है? ओके। डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज करने के लिए, रिसर्च का तो मैंने बता दिया सारा एक्सपेंस आउट करेंगे, डेवलपमेंट फेज का सारा खर्चा क्या करेंगे? कैपिटलाइज। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया मीट होना जरूरी है। उसके लिए क्या होना जरूरी है? हाँ, ये जो हम लोगों के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं बगैर अथॉरिटी के और उनको वो कर देते हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? कौन सा ये? हाँ, सही बोला, पायरेटेड। गुड। तो उसका निमोनिक है पायरेट। जो हम क्राइटेरिया सीखना जा रहे हैं डेवलपमेंट में, पायरेट का क्राइटेरिया पूरा अगर होगा तो फिर आप उसको, इसका मतलब पायरेट मैं सिर्फ निमोनिक के तौर पर ले रहा हूँ, यानी कि चोरी वाला, चोरी का क्राइटेरिया पूरा होगा तो कैपिटलाइज करेंगे। कुछ लोग बहुत सादे, तो उन्होंने सुना नहीं, पायरेट नहीं सुना ना आज तक? जरा फिर से पैरेट सुना? बिल्कुल। तोता, तोता सुने? तोता। ओके। हाँ जी, पायरेट में पहले क्या था? पी। सबसे पहली बात, ये जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये जो आपने मेला सजाया है, ये जो आप फीचर डेवलप कर रहे हैं, तो इससे आपको प्रोबेबल हो कि आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे। पहला क्राइटेरिया क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। एक ऐसी चीज जिससे आपको एसेट, ऐसी चीज जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड रहा हो, तो उसको आप एसेट कैसे बुक कर सकते हैं? ऐसी चीज जिससे आपको क्या इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड नहीं है, तो उसको आप कैसे एसेट बुक कर सकते हैं? इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि आप इसको सेल करके, इसको सेल करके इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकते हैं, या ये जो इम्प्रूव्ड प्रोसेस आपने बनाया है, ये जो आपने इम्प्रूव्ड प्रोसेस या सिस्टम बनाया, इससे आप कॉस्ट सेव कर सकते हैं। यू कैन डिमोन्स्ट्रेट बाय सेलिंग इट और बाय यूजिंग इट यू आर एक्सपेक्टिंग इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम दिस एसेट। इफ इट इज प्रोबेबल दैट यू विल हैव इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम दिस एसेट बाय यूजिंग इट और बाय सेलिंग इट इन द फ्यूचर, देन डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज हो गया, अदरवाइज कैपिटलाइज नहीं होगा। तो पहला क्राइटेरिया प्रोबेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। दूसरा, दूसरा क्या होता है? आई, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, इंटेंशन टू कंप्लीट। क्या आप इसको कंप्लीट करके सेल करेंगे या अपने यूज में लाएंगे? इंटेंशन टू कंप्लीट होना चाहिए।
जहां आपकी इंटर्नशिप टूटी, ये कंप्लीट नहीं हो सकता, तो डेवलपमेंट कॉस्ट में जितना खर्चा हुआ एक्सपेंस आउट हो जाएगा, क्योंकि उससे इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल सकते, क्योंकि आप कम्प्लीट ही नहीं कर रहे। तो दूसरा क्राइटेरिया क्या है? इंटेंशन टू कंप्लीट, पहला क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। तीसरा है रिलायबल मेजर ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट, बताओ इसमें मटेरियल कितना लगा, लेबर लगी कितनी लगी, बाकी खर्चे कितने हुए, बाकी एसेट कितने इस्तेमाल हुए, कॉस्ट इसकी रिलायबली मेजरेबल होनी चाहिए। तो डेवलपमेंट कॉस्ट को रिलायबल मेजर होना चाहिए। अगर आपने कॉस्ट ना इसके अलावा से कैलकुलेट की, तो आप इसको रिकॉर्ड किस पे करेंगे? तो पहला क्राइटेरिया प्रोबेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, दूसरा इंटेंशन टू है यूजर सेल, तीसरा रिलायबली मेजर ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट, चौथा एडिक्वेट रिसोर्सेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। आपके पास क्या होने चाहिए? टाइम हो, रिसोर्सेज हो, प्रोफेशनल्स हो, पैसा हो, अपनी जेब में नहीं है तो कोई फंडिंग अथॉरिटी हो, कोई इन्वेस्टर हो, सही है दोस्त? तो क्या होने चाहिए आपके पास? एडिक्वेट, पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, इंटेंशन टू कंप्लीट, रिलायबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट, चौथा एडिक्वेट रिसोर्सेज, पांचवा टेक्निकली फिजिबिलिटी। हम पैदल चांद पे जाएंगे, आप अरबों रुपए लगा दे, चांद पे जा सकते हैं? पैदल पॉसिबल ही नहीं है। तो ये टेक्निकली क्या होनी चाहिए? फिजिबल होनी चाहिए, सही है। इतनी तेज गाड़ी बनाएंगे कि यार कुछ कुछ देर के लिए उड़ा भी करेगी, कभी उड़ेगी कभी नहीं चाहिए, कभी उड़ेगी कभी नहीं चाहिए, टेक्निकली फॉसिबल है? नहीं है। जहाज बना लो, जहाज बना लो ना भाई, ऐसे तकल्लुफ में क्यों पड़ रहे हो? ख्वाब में ऐसी गाड़ी आ सकती है आपके? आप मुझे तो एक आधा दफा ख्वाब भी आया था कि वो एक कुछ जहाज है, वो जहाज ऐसे उड़ता हुआ नीचे रोड पे आया, तो वो कार बन गया, और वो आगे पानी आया तो वो कश्ती बन गई। वाह, उड़ती भी है। वाह, मेरा ख्वाब सच्चा हो गया। यार दुबई में है ऐसी गाड़ी? बाकी ऊपर जहाज होती है, नीचे आके रोड बन जाती है, और फिर दरिया में कश्ती बन जाती है। देखा, अभी पूरा आइडिया नहीं हुआ। बहरहाल टेक्निकली क्या होना चाहिए? फिजिबल होना चाहिए कि आप इनटेंजिबल एसेट को कंप्लीट भी कर सकते हैं, और आप इसको बाद में यूज या सेल भी कर सकते हैं। टेक्निकल फिजिबिलिटी होना जरूरी है। और आखिरी प्रॉफिटेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉफिटेबल होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप इसकी कॉस्ट को कवर कर सके। देखें, एक एसेट आपने बनाया 10 लाख का, उसने आपकी इस पीरियड की कॉस्ट को कम किया 5 लाख से, इकोनॉमिक बेनिफिट तो हुए। इस पीरियड की कॉस्ट कितनी कम की उसने? 5 लाख। अगले पीरियड की कॉस्ट कम की 2 लाख, आपको कितने का फायदा हुआ? 7 लाख। खर्चा कितना हुआ था? 10 लाख। तो आपको 3 लाख नुकसान में। इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप प्रॉफिट में होंगे। इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब इसको बेच के कुछ आप कैश जनरेट कर सकते हैं या बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल वो होता है जो आपको इसकी कॉस्ट से ज्यादा बेनिफिट दे। तो इकोनॉमिक बेनिफिट की प्रोबेबिलिटी भी हो और एक्सपेक्टेड टू बी प्रॉफिटेबल हो। मुझे बताएं, अगर आपको ये लगता है कि ये जो इंटेंजिबल एसेट में डेवलप कर रहा हूं ये मुझे फायदा नहीं देगा, तो आप क्यों डेवलप कर रहे हैं? प्रॉफिट ही नहीं होगा, लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट कौन करता है भाई? एक और पॉइंट, आपने कहा इस प्रोजेक्ट में मेरे लगेंगे 10 अरब, आपने 5 अरब लगाया, मार्केट में आपके कंपेटिटर उसी जैसा एक आइटम ले आया जो फीचर्स में आपकी प्रोडक्ट से ज्यादा बेहतर था, आपने कहा भाई 5 अरब लग चुका है, 5 अरब और भी लगा लूं, मैं बेचूंगा 100 रुपए का, मेरा कंपेटिटर फीचर है इससे अच्छी प्रोडक्ट 50 रुपए में, तो ये तो बिकेगी नहीं। तो आप क्या करेंगे? आप 5 अरब पे रुक जाएंगे और फर्दर खर्चा नहीं करेंगे, और वो जो 5 अरब चूंकि आप कंप्लीट करने की इंटेंशन नहीं रखते, उसको क्या कर देंगे आप? एक्सपेंस आउट। कुछ दिन बाद पता लगा कंपेटिटर की प्रोडक्ट फिट गई, और जो वो क्लेम कर रहा था झूठ है, आपने दोनों बार सारे लोगों को बुलाया, आओ आओ बच्चों छह वंडी दी ले जाओ, सारों को आपने बुलाया, आपने कहा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन करने पे आपने 5 अरब और लगाया, तो अब आप अपनी बुक्स में इंटेंजिबल कितने का लिखेंगे? कितने का? 10 मिलियन का नहीं लिखेंगे, 5 का ही लिखेंगे। वंस एनी एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंस आउट विल नेवर बी कैपिटलाइज्ड। जो खर्चा आप एकदम एक्सपेंस आउट करेंगे, दोबारा कैपिटलाइज नहीं करेंगे। समझ आ रही है भैया?
इसलिए जब आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या था? इंटेंशन टू कंप्लीट। आर से क्या था? रिलायबल मेजर ऑफ कॉस्ट। ए से क्या था? एडिक्वेट रिसोर्सेज। टी से क्या था? टेक्निकल फिजिबिलिटी। और ई से क्या था? क्या होना चाहिए? एक्सपेक्टेड टू बी प्रॉफिटेबल। तो ये क्राइटेरिया पूरा होना। जब ये क्राइटेरिया पूरा हो, छह की छह बातें आप एक वक्त में बता सकते हो, तो डेवलपमेंट का सारा खर्चा कैपिटलाइज करते जाएंगे डेवलपमेंट कॉस्ट के नाम से, सही है। और अगर कहीं भी क्राइटेरिया टूटा तो सारा डेवलपमेंट कॉस्ट एक्सपेंस आउट हो जाएगा। और दोबारा जोड़ा, दोबारा छह क्राइटेरिया पूरा हुआ, तो अगर एक चीज एक्सपेंस आउट हो गई, दोबारा कैपिटलाइज नहीं हो। किसी को एतराज? और अगर कोई और एसेट इसके इस्तेमाल में यूज हो रहा है, उसकी डेप्रिसिएशन वगैरह इसकी कॉस्ट का हिस्सा होगी, लेकिन जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर उसको अलग हम IAS 16 के तौर पे ही डील करेंगे, सही है दोस्त। और अगर जब ये एसेट कंप्लीट हो जाए, अगर लाइफ फाइनाइट होगी, तो जो हमने पहले सीखा, यूजफुल लाइफ पर इसको अमोर्टाइज करेंगे। और अगर इनडेफिनेट हुई, तो फिर इसको अमोर्टाइज नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम एनुअली इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करेंगे। आपका स्टैंडर्ड बताओ। सही है बच्चों? तो अच्छी तरह पहले स्टैंडर्ड पढ़ के आना। असाइनमेंट नोट करें, असाइनमेंट नोट करें। राइट अ नोट ऑन इंटेंजिबल IAS 38 इंटेंजिबल एसेट। 2 पेजेस का आपने ऐसे लिख के लाना है। क्या करना है? 2 पेजेस का ऐसे लिख के लाना, और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्दर हम आपके जब आप लिख रहे होंगे, आपके जहन में कई क्वेश्चन अराइज होंगे, तो वह हम डिस्कस करेंगे, तो फिर कंसेप्चुअली हमारा ये आ जाएगा। सही है दोस्त? ओके, गुड।